सुभाष घई की फिल्म हीरो से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म हीरो 1983 न केवल एक सफल फिल्म रही बल्कि इसने कई लोगों के करियर को भी आकार दिया। यह फिल्म एक सुपरहिट साबित हुई और एक नए तरह का रोमांटिक एक्शन ड्रामा प्रस्तुत करने में सफल रही। फिल्म से जुड़े कई ऐसे किस्से और बातें हैं जो शायद हर किसी को पता ना हो। आइए आज की वीडियो में इस फिल्म के पीछे की कुछ अनसुनी बातों पर नजर डालते हैं। जैकी श्रॉफ का चयन हीरो जैकी श्रॉफ के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने एक फिल्म में छोटा सा रोल करते देखा था। उनकी पर्सनैलिटी और उनके चेहरे के भावों ने सुभाष घई को प्रभावित किया। इसके बाद सुभाष घई ने जैकी को हीरो के लिए साइन किया। यह जैकी श्रॉफ की पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी और इसके बाद वे बॉलीवुड के बड़े स्टार बन गए। मीनाक्षी शेषाद्री का डेब्यू। हीरो से मीनाक्षी शेषाद्री ने भी बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि यह उनकी पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। मीनाक्षी की मासूमियत और सादगी ने उन्हें इस रोल के लिए परफेक्ट बना दिया था। फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें एक बड़ी स्टार बना दिया और वे 80 और 90 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। संगीत की सफलता। हीरो का संगीत भी इस फिल्म की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने फिल्म का संगीत तैयार किया और लगभग सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। फिल्म का लंबी जुदाई और निंदिया से जागी बहार जैसे गाने आज भी सुने जाते हैं। लंबी जुदाई गाना विशेष रूप से बेहद लोकप्रिय हुआ। कथानक का नयापन, फिल्म हीरो का प्लॉट उस दौर के हिसाब से काफी नया और ताजा था। यह कहानी एक गैंगस्टर के बदलने और प्यार की ताकत के बारे में थी जो उस समय की सामान्य प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग थी। जैकी श्रॉफ का किरदार पाशा एक गैंगस्टर होते हुए भी उसके दिल में बदलाव की कहानी को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। फिल्म का कनेक्शन अमिताभ बच्चन से। हीरो में मुख्य भूमिका के लिए सुभाष घई ने पहले अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की सोची थी। हालांकि जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो उन्हें लगा कि कहानी में नया चेहरा होना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने जैकी श्रॉफ को कास्ट किया। फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन हीरो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। उस समय यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सफल रही। फिल्म की कमाई और उसकी लोकप्रियता ने इसे 1980 के दशक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना दिया। जैकी और मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। सुभाष घई की निर्देशन शैली। सुभाष घई का निर्देशन हमेशा से फिल्म के किरदारों को बड़ा रूप देने और कहानियों को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है। हीरो में भी घई ने अपने निर्देशन का जादू दिखाया। फिल्म में एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशन का संतुलन था जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म का रीमेक। हीरो की जबरदस्त सफलता के बाद इसका रीमेक 2015 में भी बनाया गया। इस बार सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। हालांकि इस रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखाया जैसा कि 1983 की हीरो ने किया था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। हीरो की सिनेमेटोग्राफी भी अपने समय से आगे थी। कैमरा एंगल्स और विजुअल स्टाइल ने इस फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई दी। फिल्म की लोकेशंस, खासकर पहाड़ी इलाकों में फिल्माए गए दृश्यों ने फिल्म को एक शानदार विजुअल ट्रीट बना दिया।